बहुत ही स्वादिष्ट बना है, आप भी इसे घर पे ट्राई करिए। हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो यहाँ आप देख रहे हैं आज मैं बनाई हूँ चिली पोटैटो। तो इसे कैसे हम बनाएंगे, इसकी रेसिपी आप मेरे साथ चलिए देखिए और कोशिश करिएगा घर पे बनाने के लिए। और इसमें मैंने क्या क्या डाला है वो भी बड़े ध्यान से देखिए। इसे बनाना कोई भारी बात नहीं है, बहुत ही इजी रेसिपी है। अभी बारिश के दिनों में ये सब खाने का बहुत मन करता है कि गर्मा गर्म मिले। और तो यहाँ आप देख रहे हैं मैं ये बड़े साइज की आलू ली हूँ, और आपके पास जितने बड़े साइज के आलू हो उसी को आप लीजिए। तो इसका पहले छिलका ऐसे निकाल लीजिए सारे के, उसके बाद इसके छीलने के बाद में इसके मोटे मोटे और लंबे लंबे हम टुकड़ों में हम काटेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो यहाँ आप देख रहे हैं मैं ऐसे छील ली हूँ, छील के ऐसे मोटे मोटे टुकड़ों में आपको काट लेना है। आप कोशिश करिए जितनी बड़ी और लंबी साइज की आलू लेंगे तो उतना ही अच्छा आप होगा। तो यहाँ आप मोटे मोटे टुकड़ों में आप देख रहे हैं मैं इसे धो के और एक कॉटन के कपड़े में पंखे के नीचे सूखने के लिए रखी हूँ। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये मोटे मोटे टुकड़ों में है, तो इसे पंखे के नीचे खूब अच्छे से सुखा लेना है। तो आप इसे बनाने से आधे घंटे पहले ही आप इसको धो के पंखे के नीचे डाल दीजिए कॉटन के कपड़े के ऊपर में, ताकि इस पे जो पानी है वो बिल्कुल अच्छे से सूख जाए, तब हम इसे बनाएंगे। यहाँ हमारा आलू जो है वो बिल्कुल सूख गया है, अब ये हम इसे बनाएंगे। तो इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे हाफ हाफ कर देंगे ताकि हम इसमें जो कॉर्नफ्लावर डालेंगे वो अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ हमने हाफ हाफ कर दिया है। उससे पहले आपको गैस के ऊपर कढ़ाई रख देनी है जिसमें हम इसे तलेंगे। तो कढ़ाई में तेल ज़्यादा लेना है हमें, क्योंकि इसे हमें डीप फ्राई करनी है। तो यहाँ आप रिफाइंड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, जो आप ऑयल खाते हैं वो आप ले लीजिए। लेने के बाद में यहाँ आप देख रहे हैं मैं यहाँ डाल दी हूँ कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर करीब मैं 4 चम्मच के करीब डाल दी हूँ। आपको ऐसा है कि इसमें 4 चम्मच या 5 चम्मच भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ आलू को कॉर्नफ्लावर से ही पूरा कोटिंग करना है, हमें पूरा ढक देना है। तो यहाँ पे इसीलिए मैं बोली कि कोई इसमें 4 चम्मच या 5 चम्मच ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट में तो आप देखेंगे कॉर्नफ्लावर बच जाता है, बस आलू को खूब अच्छे से कॉर्नफ्लावर में लग जाना चाहिए, इतना ही हमें कॉर्नफ्लावर चाहिए। और जब हम बनाएंगे कढ़ाई के अंदर डालेंगे उस वक्त ही हमें इसमें नमक डालना है। तो नमक आलू के हिसाब से आप देख लीजिएगा, यहाँ तो मैं हाफ स्पून ही नमक डालूँगी। और नमक डालने के साथ ही आपको कढ़ाई में डाल देना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं मेरा ये तेल बहुत गर्म हो चुका था, यहाँ तेल को खूब अच्छे से गर्म कर लेना है तभी हमारे आलू को इसके अंदर डालनी है। तो इसलिए मैंने बोला था कि हाफ हाफ आलू को करके आप डालिएगा, एक साथ पूरा आलू डालेंगे तो ये ठीक से नहीं होगा। इसे खूब अच्छे से फ्राई करने के लिए ना हमें कम कम ही आलू को लेके फ्राई करनी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं मैं करीब आधे कप के करीब यहाँ पानी डाल रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा आपको देना है, क्योंकि छींटा देने से ये ऊपर से जल्दी जलेगा नहीं और अंदर से बहुत अच्छे से क्रिस्पी होके पकेगा। इसीलिए हमें सिर्फ एक बार ही पानी का छींटा देना है स्टार्टिंग में। जब आप डालिएगा, डालने के थोड़े मतलब 2-3 मिनट के बाद ही आप इसके ऊपर पानी का छींटा दीजिए। करीब आधे कप के पानी के बराबर हाथ में ले लीजिए और थोड़ा थोड़ा छींटा इसे डालते रहिए। उसके बाद इसे अलट पलट करते रहिए और गैस की आंच को फुल फ्लेम में रखिएगा। तो यहाँ गैस की आंच को बिल्कुल धीमा नहीं करना है, क्योंकि ये तेज आंच पर ही बनेगा। और आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे क्रिस्पी होता जा रहा है, इसे आप धीरे धीरे अलट पलट करते रहिए। और इसमें तलते वक्त आप तेल थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा, क्योंकि हमें इसे डीप फ्राई करनी है तो सारे आलू को तेल के अंदर होना चाहिए।
अगर आप इन आलू को ग्रेवी के अंदर नहीं डालना चाहते हैं, जो मैं चिली पटेटो बना रही हूँ उस ऐसा आप नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप इसे सिंपल आलू भी रख सकते हैं। इसके ऊपर टोमेटो सॉस, चिली ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, सोया सॉस, इन सब चीज़ों को डाल के इसके ऊपर थोड़ा चाट मसाला और थोड़ा काला नमक, ये दोनों डाल के सारे को एक साथ मिक्स करिए। आप वैसे भी इसे खा सकते हैं, नहीं तो ये प्लेन भी आप इसे खा सकते हैं, चाय के साथ आप स्नैक्स के रूप में खाइए। इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल आलू ही जो है ये आपको बहुत स्वाद देगा। और वैसे भी फ्राई आलू तो सबको बहुत पसंद है, चाहे वो बड़े हो या फिर बच्चे। बच्चे तो ऐसे फ्राई करते वक्त जैसे ये निकला है ना, ऐसे ही ले लेके या सारे के सारे खा जाएंगे, उन्हें ये बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे कुकिंग की वीडियो मैंने डाली हुई है, आप एक बार जरूर से ज़रूर वहाँ जाके चेक करिए और कोशिश करिए घर पे बनाने के लिए। आलू को मैंने दो भाग में कर दिया था क्योंकि मुझे तलने में आसानी हो, तो जो दूसरा वाला भाग था उसे भी मैं फ्राई करके निकाल रही हूँ। मेरे सारे आलू फ्राई हो गए हैं, अब इसमें जो सब्जी वगैरह डालेंगे अब हम उसकी तैयारी करेंगे। लेकिन मैं आपको ये फिर से याद दिला दूं कि ये आलू को आप जब फ्राई करिएगा तो उसी वक्त ही नमक डालिएगा, पहले से नमक डाल के नहीं रखिएगा, नहीं तो ये पानी छोड़ने लगेगा। आप पहले कढ़ाई में तेल गरम कर लीजिए, उसके बाद कॉर्नफ्लावर डालिए, डाल के खूब अच्छे से उसे मिला दीजिए, और जैसे ही आपको कढ़ाई में डालना हो तब नमक इसके अंदर डालिएगा। तो यहाँ मेरा सब्जी का फ्राई पैन तैयार हो गया है जिसे मैं सब्जियों को फ्राई करूँगी। तो यहाँ सबसे पहले मेरा इसमें जा रहा है जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसमें मैं थोड़े से तेल डाल के पहले इसको थोड़ी सी देर एक दो मिनट फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद में फिर मैं सब सब्जियों को इसमें धीरे धीरे डालती जाऊँगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं पतले पतले प्याज डालूँगी, शिमला मिर्च है, गाजर है, चुकंदर है, पत्ता गोभी है। पत्ता गोभी और चुकंदर आप जो देख रहे हैं जैसे मैं काटी हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में, वैसे आप बारीक बारीक काट लीजिए। प्याज को तो आप ऐसे लंबे लंबे पतले पतले एक एक करके सबको अलग कर दीजिए क्योंकि वो खाने में फिर अच्छा रहेगा। और बाकी सब्जियों को आप छोटे छोटे टुकड़ों में काटिए। यहाँ शिमला मिर्च को भी मैंने पतले पतले और लंबे में रखा है, पत्ता गोभी को भी आप देख रहे हैं बिल्कुल पतले पतले में मैंने काट के रखा हुआ है। यहाँ टमाटर को मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि टमाटर जो अभी है बहुत महंगा है, तो इसलिए मैंने उसे स्किप करके रखा हुआ है। अगर आपको टमाटर मिल जाए तो आप वो भी डाल दीजिए। इन सारे सब्जियों को आप तेज फ्लेम पर ही पकाइए और इसमें आधा स्पून के करीब नमक डाल दीजिए क्योंकि नमक डालते ही सब्जियों में जो पानी छोड़ेगा, हमें उसे तेज आंच पे पकानी है। सब्जी को ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है क्योंकि इसमें ज़्यादा फ्राई करने वाली कोई सब्जी ही नहीं है, ये तो भूनते भूनते में ही पक जाती है। वैसे भी पत्ता गोभी और शिमला मिर्च इनको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर सारी सब्जियों को भूनने के बाद में हम जिस कढ़ाई में आलू को फ्राई किए थे उसी कढ़ाई के अंदर हम इसे डाल के थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे क्योंकि ये सारी सब्जियाँ और आलू, टोमेटो सॉस, सारे चीज़ों को हम बारी बारी से इस बड़े वाले कढ़ाई में डाल के हम इसे मिक्स करेंगे। यहाँ पर सब्जियों को मैंने कम ही पकाया है, आप चाहे तो दो तीन मिनट और ज़्यादा पका सकते हैं। बहुत से लोगों को अच्छे से पकी हुई चाहिए, बहुत से लोगों को थोड़ी सी कच्ची कच्ची में ही पत्ता गोभी शिमला मिर्च चाहिए, तो आप अपने हिसाब से ही सब्जी को कम ज़्यादा पकाइएगा। तो यहाँ आप दो बड़े चम्मच के करीब ग्रीन चिली सॉस डाल दीजिएगा और यहाँ पे आप अपने हिसाब से डालिएगा कि आप कितना आपको तीखा खाना है। यहाँ हमने एक बड़े चम्मच सोया सॉस डाल दिया। अब हम डालेंगे इसके अंदर ये रेड चिली सॉस, तो इसको भी करीब एक चम्मच के करीब ही डालिए, ज़्यादा तीखा मत करिए क्योंकि सब कोई तो तीखा ज़्यादा नहीं खाता है और बच्चों को खाना है तो तीखा कम ही रखिएगा। यहाँ पे मैंने डाल दिया मैजिक मसाला, यहाँ मैंने दो पुड़िया के करीब यहाँ मैजिक मसाला डाला है। आप अपने हिसाब से मसाला को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन सब को डाल के खूब अच्छे से आप सारे प्याज जो इसके अंदर है कढ़ाई के अंदर सारे को खूब अच्छे से मिला दीजिए। उसके बाद आप इसके अंदर टोमेटो सॉस डालिए,
टोमेटो सॉस भी दो बड़े चम्मच डालिए, क्योंकि हाँ टोमेटो सॉस जो है वो थोड़ा ज़्यादा इसके अंदर जाएगा, क्योंकि आलू है इसलिए हमें इसमें ज़्यादा लगेगा। आप चाहे तो फिर ऊपर से भी सारे मसाले डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो आलू मैंने फ्राई करके रखे हुए थे वो आलू भी इसके अंदर हम डाल दिए, और डाल के सारे सब्जियों को मसालों को खूब अच्छे से हम मिला लिए। तो देखिए कितना फटाफट बन गया, कितने जल्दी बन गया। आप भी इस बारिश के मौसम में ये गर्मा गर्म बनाइए, खाइए और बच्चों को खिलाइए। आलू तो वैसे भी सबके घर में हमेशा रहता है, टोमेटो सॉस वगैरह भी हमेशा रहता है, सब्जी कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। तो यहाँ मैं प्लेट में लेके आ गई हूँ। ये टोमेटो सॉस वगैरह इस आलू के अंदर जाने से इसमें तो चार चांद लग गए, स्वाद भी उतना बढ़ के आया है। तो आप एक बार जरूर से जरूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक दीजिए, ताकि आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही हमेशा नई नई वीडियो लाती रहूं। और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, आपके कमेंट से मुझे भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ मेरा चिली पोटैटो बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो यहाँ देख रहे हैं आप, मैं ऐसे प्लेट में सजा के लेके आई हूँ। अब बस इसे टेस्ट करके देखना है ये कैसा है। बहुत ही स्वादिष्ट बना है, आप भी इसे घर पे ट्राई करिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी न भूले, ताकि मेरी जो नए वीडियो मैं डालूं आपके पास तुरंत पहुंच सके। और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक दीजिए। थैंक यू।